जय साई राम। सभी को मेरा साई राम। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर सतगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार डहरवाल है और मैं ग्रेटर नोएडा का निवासी हूँ। वैसे तो बाबा के साथ जुड़ने के बहुत सारे अनुभव हैं। बहुत अनुभव बाबा ने ऐसे कराए हैं कि जो टर्निंग पॉइंट भी रहे हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि बाबा से मैं कैसे जुड़ा। गाजियाबाद के पास में सपनावत गांव है जहाँ साईं मंदिर की स्थापना हुई। श्री सिसोदिया जी ने साईं मंदिर की स्थापना की। तो उन्हीं के साथ रहते रहते बाबा से हम जुड़े। जब मंदिर की स्थापना हो रही थी हम तभी से बाबा के साथ जुड़े हुए थे और उसी दौरान भी बाबा के कई अनुभव हमें प्राप्त हुए। जब मंदिर की स्थापना हो रही थी उस वक्त बाबा की जब मूर्ति स्थापना मंदिर में थी तब का भी एक अनुभव मैं शेयर करना चाहूंगा कि बाबा ने कैसे, जब भक्त बाबा को याद करते हैं तो बाबा पल पल उनके साथ रहते हैं, हर वक्त उनकी रक्षा करते हैं, हर वक्त उनका ध्यान रखते हैं। इसके अनुभव मुझे एक बार नहीं कई बार हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये इत्तेफाक हो सकता है, ये तो वैसे भी हो सकता है, हो सकता है वैसे हो गया हो, लेकिन इत्तेफाक बार बार नहीं होते। और फिर मानने वाले की बात है, वो इसे इत्तेफाक माने या बाबा की कृपा माने। तो मैं ये मानता हूं कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब में बाबा की ही कृपा थी। आज बाबा की ही कृपा है कि मैं जहां था वहां से कहां तक पहुंचा हूं, ये सब बाबा की कृपा है। बाबा ने हर वक्त अपने भक्तों का ध्यान रखा है, उसी प्रकार मेरा भी ध्यान रखा है। मैं बाबा की इस क्रीम कृपा को कभी नहीं भुला सकता। तो बात बताया था, सन 2003 की बात है, सपनावत साई गांव में बाबा की मूर्ति स्थापना हो रही थी। तो हम चूंकि बाबा के मंदिर से हम शुरू से ही जुड़े हुए थे, तब काफी समय वहां दिन रात पूरा समय वहां लग रहा था स्थापना के लिए। सपनावत मंदिर जब मूर्ति आई थी वो जयपुर से पहले शिरडी गई, वहां से पूजन करके एक पालकी और रथ के द्वारा पैदल सपनावत गांव आई थी। तो मुझे मंदिर की साज सजावट की और पूजा की जिम्मेदारी दी गई थी क्योंकि बाबा का ही कर्म था मेरे ऊपर। मैंने जिसे अपने आप को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो जिस दिन स्थापना होनी थी उस रात को हम वहां लेटे हुए थे, पूरी रात हम जगे थे। सवेरे बाबा की स्थापना होनी थी तो मैंने कहा मैं घर से जाकर के अपनी फैमिली को भी बच्चों को भी लेकर आता हूँ। तो सुबह सुबह मैं चला वहां से गाड़ी लेकर के। जब नेशनल हाईवे 24 पर आया, मैं 24 पर इतनी तेज नींद मेरे को आ रही थी कि मैं बता कि बार बार आंखें झपकी जा रही थी, गाड़ी का स्टीयरिंग बार बार हाथ से छूटा जा रहा था, लेकिन मैं चलता रहा। मैंने कहा सुबह मुझे पहुंचना भी है, घर से बच्चों को लेकर आना है और पूजा में भी शामिल होना है। अचानक चलते चलते NH-24 पर लाल कुआं से कुछ पहले एकदम मुझे शायद आंख बंद हो गई, मेरी नींद आ गई। मुझे कुछ नहीं पता चला कि क्या हुआ। मेरे तो आंख तब खुली जब एकदम जैसे ऐसे लगा जैसे किसी ने गाड़ी की छत के ऊपर ऐसे हाथ मारा हो, बेटा उठ जा। और एकदम मेरी आंख खुली, मैंने देखा मेरी गाड़ी डिवाइडर के ऊपर चढ़ी हुई थी। एक टायर उसका पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, पीछे से गाड़ियां साए साए चली आ रही थी। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो मुझे बचाया ये केवल बाबा ने ही बचाया। जैसे उठा करके गाड़ी को बिल्कुल फुटपाथ के ऊपर रख दिया, यदि बीच में होता तो उस नींद के झोंके में पता नहीं मेरे साथ क्या हो सकता था। ये पहली बार मुझे ये अनुभव हुआ बाबा का कि बाबा ने मेरी जान पूरी बचाई है, इसे इत्तेफाक नहीं कह सकते। ऐसे ही इत्तेफाक बहुत सारे हुए मेरे साथ में। एक बार करीब 96 के बाद है, 96 के आसपास की बात है, सॉरी 2001 के आसपास की बात है, मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके रात को 11 साढ़े 11 बजे घर वापस आ रहा, नोएडा से ग्रेटर नोएडा जा रहा था। तो जैसे ही मैं सूरजपुर से आगे चला LG की तरफ को चला, तो जब सीधे मैं जा रहा था अचानक मेरे सामने एक ट्रक चल रहा था, बड़ा वाला ट्रक जो फैक्ट्रियों में माल सप्लाई करते हैं, ट्राले बड़े वाले ट्राले 20 फुट वाले, वो मेरे आगे आगे जा रहा था। मैं उससे काफी पीछे था। जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, ट्रक ट्रक वाले ने साइड में लिया, दूसरी साइड आया और वहां से एकदम से पूरा से लेफ्ट टर्न मार दिया। मेरे और स्कूटर के बीच में 1-2 फुट का बाजार, मुझे लगा एक ट्रक सीधा मेरे ऊपर ही चढ़ गया बिल्कुल। बाबा की ये फोटो हमेशा मेरी जेब में रहा करती है, अभी भी रहती है। मैंने एकदम से जेब पर हाथ रखा, बाबा बचाओ। इसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरा स्कूटर सड़क और फुटपाथ के बीच जो छोटी सी गहरी जगह होती है वहां पहिया मेरा फंस गया
और मैंने देखा ट्रक मुझसे केवल 1 फुट दूर पर रुक गया। कैसे रुका, क्यों रुका, जो कि उसकी उसकी स्पीड इतनी थी, 50-60 की स्पीड उसकी चल रही होगी। अब मैंने वहां से उतर के ट्रक वाले से भी बात करी, मैंने भाई कम से कम पीछे तो देख लिया करो, तुम्हारा क्लीनर जो है, जो देखने वाला हेल्पर है वो कहाँ है। तो उसने देखकर कहा बाबूजी क्लीनर तो सोया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता मेरा ट्रक कैसे रुका है, क्योंकि मैंने कोई ब्रेक नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, लेकिन ट्रक कहाँ रुक गया मुझे खुद नहीं पता इस बात का। इतना सुनना था कि मेरी आंखों से न्यास उजर गया है, मैं बता नहीं सकता। मुझे बिल्कुल लगा कि बाबा ने साक्षात हाथ लगाकर उस ट्रक को रोका होगा। 2 बार बाबा ने मेरे प्राणों की रक्षा की, ये बाबा का बहुत बड़ी कृपा मुझ पर रही। इस बात को तो मैं जीवन पर्यंत नहीं भूल सकूंगा, क्योंकि ट्रक वाला भी कह रहा है ना तो मुझे कुछ दिखाई दिया ना मैंने ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रक मेरा ऐसा रुक गया जैसे किसी ने एकदम से हाथ से पकड़ के रोक दिया हो। उस कृपा को मैं बाबा की कभी नहीं भुला पाऊंगा। ऐसे छोटे मोटे अनुभव तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे। बाबा की कृपा बहुत हमारे ऊपर रही है, बहुत अनुभव रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं, बहुत कृपा है। कहते हुए भी कितनी कृपा बाबा की बताएं, कितनी न बताएं, बहुत कुछ दी। हमने अपना मकान सन 2000 में, मैंने ग्रेटर नोएडा में अपना एक मकान बनाया था, कैसे कैसे करके हमने लोन वगैरह लेकर के तो कुछ मकान बनाया, जो फाइनल मकान मेरा तैयार हो गया। और लास्ट सबके देना देवाना करने के बाद में लास्ट जो डब्ल्यू लेबर मेरी वहां से निकली, उनके करीब 35,000 रुपए शायद बचा था। उनको मैंने बोला था कि 4 दिन के बाद आकर तुम ले जाना। अब मैं इस स्थिति में था कि मेरे पास 35,000 रुपये नहीं थे, कहीं से कोई अरेंजमेंट नहीं होता, पैसा सब मकान बनाने में लग गया था। फिर मुझे ध्यान आया था कि मेरा एक प्लॉट काशीपुर डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में पड़ता है, वहां एक प्लॉट था, छोटा सा प्लॉट लिया था मैंने। कभी मेरे समझ में नहीं आता कि कहाँ से पैसा आएगा, कुछ क्या होएगा, इसी चिंता में 3 दिन बीत गए। अगले चौथे दिन मैं नाइट ड्यूटी में गया, अपनी रात की मेरी ड्यूटी चल रही थी, नाइट ड्यूटी में वहां सोचता रहा कि कल लेबर पैसे लेने आएगी और पैसे ना मिले तो सोचता बेइज्जती करके भी जाए। मैं बाबा से रात में प्रार्थना करी, बाबा किसी तरह से इस मुसीबत को दूर करो, मेरे जो ये कल आए कल बेइज्जती होने से केवल आप ही बचा सकते हैं, बाकी दुनिया में तो कोई और साथ नहीं दे रहा। आपको यकीन नहीं होगा किसी को भी, सुबह 6 बजे की बात थी, मैं ड्यूटी पर ही था, उसी वक्त मेरे पास फोन आया काशीपुर से ही, एक डीलर का फोन आया, वैसा भी आपका एक प्लॉट वहां है और हम उसको खरीदना चाहते हैं, आप पैसे बता दीजिए कितने पैसे होंगे। तो मैंने उनको बताया कि भाई कितने में लग जाएगा, तो उसने ठीक 35,000 रुपये मेरे को बताया कि 35,000 रुपये मैं उसके देने के लिए तैयार हूँ। अब मैं उससे बोले आ जाओ आप मेरे पास आ सकते हो तो आ जाओ, मैंने कहा मैं अभी ड्यूटी से जा रहा हूँ, अब मैं आ नहीं पाऊंगा, कल शाम तक मैं रात तक पहुंचूंगा, इसके बाद कल आऊंगा, 2 दिन मुझे लग जाएंगे आने में। तो उसने बोला आप चिंता करो, हम वहीं पहुंच रहे हैं अभी, और आप हमें 11 बजे तक हमें गाजियाबाद में हमें मिलो। मैं बता नहीं सकता कि मेरे को इतना वो हुआ कि बाबा ने साक्षात मेरी प्रार्थना सुनी हो। मैं 11 बजे के पास पहुंचा, उसने वहीं मुझको पैसे 35,000 रुपये, जो 35,000 मुझे लेबर को देने थे कॉन्ट्रेक्टर को, केवल उतने ही पैसे मेरे को मिले। वो पैसे मुझे मिले तो मैं समझ गया कि सब बाबा की कृपा है, वरना जी 6 साल से मैंने वहां सब डीलर को बोला हुआ था भी मुझे प्लॉट बेचना है, कोई नहीं हाँ भी नहीं कर रहा था, और केवल उसी रात में सुबह सुबह उसका फोन आंसर डीलर का। तो ये बाबा की कृपा के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। मैं तुरंत गया जाकर पैसा लिए और लेबर को दिए, तो मेरी जो बेइज्जती होनी थी वो भी बच गई और बाबा ने मुझे इतना सहारा दिया। अब ऐसे ऐसे किस्से बाबा के बहुत हैं, बहुत हैं, नहीं बताए जा सकते, सब मन में है, लेकिन बस अनुभव करो सत्य पहचानने वाली बात है, कोई इत्तेफाक कहे या कुछ कहे, पर अनुभव मेरा ये कहता है कि ये सारी कृपा बाबा की है। आज मैं जो कुछ हूँ बाबा की कृपा से हूँ, बाबा की कृपा से हूँ।